चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक कहता है कि व्हेन पुली इज अटैच, कहाँ पर अटैच है? टू द एज ऑफ एन इंक्लाइन फेन। जब पुली कहाँ पर अटैच है? इंक्लाइन फेन के एज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाला डायग्राम देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले तो इस डायग्राम को समझना आवश्यक है। अगर आपको पुली अटैच करें तो पहले तो बेसिक डायग्राम आप समझ लीजिए। यहाँ पर एक मास एम1 लटका हुआ है और इस एम1 से देखिए ऊपर तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या हो जाएगा, एम वी कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इधर, ये थीटा है, ये है एम जी, ठीक है एम वन जी, और ये है एम वन जी कॉस थीटा। ये थीटा नीचे दो, तो इसके साथ ये जो कंपोनेंट बनेगा वो हो जाएगा एम वन जी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एम वन जी साइन थीटा। ठीक, तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर और एम वन जी जो हो जाएगा एक दूसरे को क्या कर देंगे, वी विल कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक, कैंसिल कर देंगे, तो इधर मतलब हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो कोई मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा। अब इस तरह से अब हम क्या करते हैं, पुली को अटैच करते हैं। तो लेट्स अटैच द पुली। अब हमें यहाँ पे क्या लगा, दिस इज द पुली, ये हमने लगा दिया यहाँ पे, पुली अटैच करते हैं। पुली अटैच करते ही क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हमको बताया जैसे पुली अटैच करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंशन आ जाएगा। ये टेंशन है, ये टेंशन है बॉडी। अब ये एम वन जो है यहाँ पे लिखा है एम वन इज ग्रेटर देन एम टू, तो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन उसी तरह से कंपोनेंट की है। ये एम वन जी डाउनवर्ड लगेगा, इसके कंपोनेंट की है, तो ये एम वन जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और ये हो जाएगा एम वन जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट के, और नीचे एम टू जी लगेगा। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, पहले तो लिखते हैं इक्वल टू, मतलब एम टू के लिए लिखते हैं। देखो ऊपर टी लग रहा है, नीचे एम टू जी, तो टी माइनस एम टू जी बराबर एम टू है, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ध्यान दीजिएगा टी माइनस एम टू जी बराबर, इसी तरह से हम लिखे एम वन के लिए, तो एम वन के लिए क्या हो जाएगा, एम वन के लिए हो जाएगा एम वन जी साइन थीटा माइनस एम टी बराबर एम वन ए, क्योंकि अपोजिट लग रहा है और उधर ही एम वन ए लग रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपने एक्सलेशन देखा है, ये देखो एक्सलेशन जो है इस तरह, इसे भी एक्सलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करते ही देखो आपको माइनस टी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी देखो एम वन साइन थीटा माइनस एम टू साइन थीटा माइनस एम टू जी और बराबर एम वन प्लस एम टू। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे चाहे तो ऐसे लिखते हैं, एम वन जी साइन थीटा माइनस एम टू जी डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, ऐसे लिख सकते हैं। अब टेंशन निकालते हैं, टेंशन निकालने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू में हमने ए की वैल्यू रख दी था, इसको इधर भेजा, इधर भेज दिया तो क्या हो गया, ए इधर आ गया। ए की वैल्यू हमने ऊपर से लिखा है एम वन जी साइन थीटा, यही वाली वैल्यू जो है ये वाली लिख दी था, सॉल्व कर दिया उसको। सॉल्व करने के बाद टी की वैल्यू क्या आ गई, देखो सॉल्व किया इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया, इससे इधर मल्टीप्लीकेशन कराया तो एम वन स्क्वायर जी साइन थीटा, और इधर कराया तो क्या हो गया एम वन एम टू जी साइन थीटा माइनस एम वन स्क्वायर जी साइन थीटा प्लस एम वन एम टू जी। सॉल्व करने पर वैल्यू आ गई एम वन एम टू जी डिवाइड बाई एम प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई एम प्लस एम वन टू साइन थीटा एम, ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है, तो दो ही चीजें हमको जनरली चाहिए होती है, एक तो कहती है एक्सेलरेशन, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, और एक चाहिए होगा हमको टेंशन, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मिल गया और हमको क्या मिल गया, टेंशन यहाँ पर। अब क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ क्वेश्चन की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं और समझते हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कंसीडर सिचुएशन शोन इन द फिगर, सरफेस कैसा है, स्मूथ है, और स्ट्रिंग और पुली जो है वो क्या है, लाइट है। स्ट्रिंग यानी जो ये जो वायर्स है और जो पुली है वो क्या है, लाइट। एक्सेलरेशन और टेंपो, सभी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन और टेंपो, चलिए करते हैं इसको सॉल्व क्वेश्चन को। अब देखिए ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ, इसी डायग्राम में हमको चेंजेस करेंगे, यानी इसी डायग्राम में थोड़ा बहुत वो करेंगे और हम समझेंगे चीजें कैसे हो रही है। देखो सोल्यूशन थी तो ए इधर, एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा। अब अपने को क्या करना होगा बेटा, अब अपने को करना होगा कंपोनेंट सॉल्यूशन टू द कंपोनेंट्स वाली है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे है, अब ये नॉर्मल एक्शन या फिर आर बोलते हैं उसको, जे तरफ लगेगा एम जी, तो ये हो गया एम जी यानी थ्री जी हो जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री जी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री जी साइन थीटा, थीटा भी 30 है, हालांकि मैंने लिखा नहीं है, और जी की वैल्यू 10 दे सकते हैं, तो अभी मैंने लिखा नहीं है सरलता के लिए, और इधर लग रही है 10 20, चलेगा। तो पहले वाले ब्लॉक का हम कर देते हैं, तो मैं फिर से मैं रीड्रॉ कर देता हूँ यहाँ को, तो ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, ये ब्लॉक रखा है 3 kg का। ठीक है, तो इस 3 kg वाले ब्लॉक पे यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, उस तरफ लग रहा है
30 यानी mg m1 भी तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा थीटा, मतलब 30 डिग्री है थीटा यहाँ पे, तो 30 डिग्री भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 30 cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 30 sin 30 डिग्री, और यहाँ पर किस डायरेक्शन में क्या लग रहा है कैंसिल, तो हमारे देखो तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द इक्वेशन है हमारी क्या बन जाएगी 30 sin 30 माइनस टी, और एक्सप्रेशन कहाँ हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ए इधर बराबर क्या हो जाएगा 3 a, दिस इज इक्वेशन नंबर 12 ठीक है, दिस इज अलोंग द प्लेन, इट्स से अलोंग द प्लेन ठीक। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके और ऐड करते हैं यहाँ पे, और अब हम बनाते हैं 2 kg के लिए, ठीक है 3 kg है, 2 kg वाले के लिए देखो जरा ध्यान से, तो 2 kg वाले में ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है 2g यानी 20, तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ 2g दैट इज 20 न्यूटन, g की वैल्यू हमने यहाँ पे हर जगह 10 दी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके एक्सीलरेशन अपवर्ड है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ t, तो हम लिख सकते हैं t माइनस 20 बराबर 2a, लेट्स से इसीलिए इक्वेशन हमें दिस इज फॉर दिस, मतलब दिस फॉर दिस 2 kg का, अब तो हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, देखो ऐड क्यों करते हैं क्योंकि टेंशन उड़ाना है, टेंशन उड़ा देंगे ऐड करते ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने को क्या इस वैल्यू आ जाएगी लेट्स से ऐड 1 एंड 2, तो हो जाएगा 30 sin 30 माइनस 20 बराबर 5, तो 30 into 1/2 माइनस 20 बराबर 5 a, तो 30 ये हो जाएगा 15, 15 में 5 गया तो माइनस का 5 बराबर 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हमारी a की वैल्यू आ गई ठीक है। अब टेंशन निकालना, टेंशन निकालने पे जब हमारी a की वैल्यू आ गई तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो t इज इक्वल टू 2a + 20, सो 20 - 2 कितना आ जाएगा टेंशन बराबर, टेंशन t बराबर आ जाएगा 80 न्यूटन ठीक है, टेंशन आ गया, टेंशन आ गया, समझ गया क्वेश्चन, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमको, ये है दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है क्वेश्चन पकड़ लेते हैं थोड़ा सा, तो कैसे रखते हैं यहाँ पे इंक्लाइन पुली स्मूथ और स्प्रिंग और पुली यहाँ पे क्या है मासलेस, पहले ठीक है यहाँ पे मासलेस है और हमको क्या निकालना है T1 / T, जो T1 और T2 क्या है दिस आर द टेंसर इन द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग यहाँ पे टेंशन है उसको हमको निकालना है ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा अच्छे से, पहले 5 kg का बनाएंगे फिर 2 kg का फिर किलो का अलग अलग फ्री बॉय डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले केस ध्यान रखते हैं फ्री बॉय डायग्राम बनाते हैं ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, और हम क्या बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहले हम बनाएंगे 5 kg वाले का, देन से इस तरह से थे ये एंगल टी यहाँ पर है 5 kg रखा हुआ, समझे इस 5 kg पीछे तरफ चलेंगे तो 5g यानी 50 kg रहता होगा, कितने गुणा हो जाएंगे 50, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा 50 cos 30, ये एंगल कितना 30 है तो 50 cos 30, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन इज इक्वल टू 50 sin 30, इधर क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा 1/2, इधर क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा 3, और बॉडी का एक्सीलरेशन कितना गया है, तो ये हो गया ठीक है, और इसकी हम इक्वेशन भी चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ देखो अलोंग द प्लेन ठीक फॉर 5 kg ठीक, यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी देखो एक्सीलरेशन भी दर्द 50
साइन 30 माइनस टी 1 बराबर 5 चलेगा ठीक है। और देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो आप उसको तो 25 माइनस टी 1 बराबर 5 के फिर से एक तो इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अभी हम टी बाय टेन में टाइम टी के जी वाले पे चलिए बेटा देखो एन वन और ये 50 cos 30 जो है ये वाले बड़ी वाले ना ये वाले फैक्टर ये वाले डायरेक्शन और ये वाले डायरेक्शन जो कौन ही होता है वो याद रखिए बताइए क्योंकि ये दोनों सिमिलरली अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ फॉर दिस कौन सा मतलब 2 kg वाला कितना है 2 kg 3 kg एक बार देख लेते ये 3 kg का है ठीक। तो अब हम इस पे ट्राई करने वाले हैं ठीक है 3 kg के लिए तो मिल जाएंगे 3 kg का लेगा तो ये हो गया 3 kg इधर लग रहा है टेंशन इधर हो रहा है प्रेशर ये लग रहा है नॉर्मल रेट को नीचे लग रहा है 30 इधर वाला एक्चुअली कंपोनेंट जो है गलत बन रहा है एक मिनट में फिर से मैं देखो एक इसको थोड़ा सा पानी चले जाते हैं देखो ये जो होता है ना जस्ट ऐसे नहीं लगता है मतलब जस्ट थोड़ा सा बिल्कुल जैसे कि जैसे बिल्कुल सीधे लगता है तो एम जी लगता है नीचे तक एम जी जो यहाँ पे थ्री है और जी की वो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है ये होता है हमारा कि ये कितना है 30 है ना तो ये 30 होने के कारण ये हो जाएगा 30 cos 30 और ये हो जाएगा 30 sin 30 इसकी इक्वेशन लिखे अगर हम तो हो जाएगा 30 sin 30 माइनस टी बराबर थ्री तो हो जाएगा 15 माइनस 30 वाली 1/2 1/2 मतलब इसका आधा तो टी इसके लिए बनाना है इसके लिए बता ये जो हमारा ये वाला ब्लॉक है 2 kg ठीक तो लेट से 2 kg के लिए बना रहे हैं तो 2 kg वाले के लिए अगर यहाँ पे डायग्राम बनाए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 kg इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगता है यहाँ से लग रहा है 10 kg पीछे तरफ क्या लग रहा है 10 kg है मेरी 20 ये किसकी वैल्यू 20 kg 20 L इक्वेशन कहाँ है अपवर्ड है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगा T2 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 2 है इसको तो करने से इक्वेशन नंबर 3 ये हो जाएगी इसकी अब करते हैं तीनों इक्वेशन को ऐड एक तरफ लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों की तरफ लिख के ऐड करते हैं चलो लिखते हैं पहले तीनों की तरफ इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी उसको लिखते हैं या फिर टेन को 50 साइन 30 ऐसे नहीं इसको मतलब साइन 30 तो मैं हटा देता हूँ मतलब तो लिखते हैं इसको 25 माइनस टी 1 बराबर 5 a यहाँ पे 15 माइनस एक मिस्टेक हो गई शायद मेरे से यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई बेटा यहाँ पे 2 टेंशन लग रहा होगी ना यहाँ पे एक टेंशन एक्चुअली एक मिनट यहाँ पे T2 लगेगा और इस डायरेक्शन में क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ ना एक ब्लॉक तो T1 यहाँ लगेगा T2 यहाँ लगेगा तो यहाँ पर जो इक्वेशन है ना ये चेंज हो जाएगी ये हो जाएगी एक मिनट जाओ मतलब इसको चेंज करते हैं बेटा सॉरी ठीक है हो जाती है मिस्टेक सॉरी सॉरी 2 टेंशन लगेंगे ना 3 kg वाले तक ये हो जाएगा 30 साइन 30 प्लस T1 माइनस T2 बराबर 3 ये हो जाएगा 15 प्लस T1 माइनस T2 बराबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 ये हो जाएगा ठीक है तो 15 प्लस T1 माइनस T2 बराबर 3 ठीक है और ये हो जाएगा T2 माइनस 20 बराबर 2 ऐड करें तीनों को चलो ऐड इससे ये चला जाएगा इससे ये चला जाएगा तो 25 प्लस
-20, 5 दिन 8 तो 10 दिन, तो ये गया कितना हो गया 20 बचेगा। अब पूछोगे कैसे, देखो इसको जोड़ दो आप और इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, 30 और 15 कितना हो जाएगा, 25 35 40, 40 40 में से 20 गया 20, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने को चाहिए ना स्पेस, स्पेस मिल गया, लेकिन क्या चाहिए, T1 और T2 करेंगे चाहिए। तो पहले इक्वेशन में करते हैं, इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं, ठीक है। तो 25 - T1 = 5A, तो 25 - 5 × 2 = T1, तो उधर खुल जाएगा, यानी 15 = T1, 15 न्यूटन होगा T2 में। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसके, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड से लिखो, तो T2 - 20 = 2A, तो T2 = 2, ऐसे लिखो, T2 = 20 + 2A, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, सुविधा 4 हो जाएगी, 24 न्यूटन हो जाएगी T2 की वैल्यू, ठीक। तो T1 by T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/24, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 15/24 को तो 3 से भी काट सकते हो, उसको चाहो तो आंसर एक्चुअली 5/8 आ रहा है ना, तो 3 5 15, 3 8 24, ठीक है। 3 5 15, 3 8 24, 5/8 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। सारे क्वेश्चन में ऑल द सरफेस आर स्मूथ, स्प्रिंग है पूरी क्या है लाइट है, फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग, यहां पे क्या निकालना है, टेंशन निकालना है स्प्रिंग, ठीक है। तो इसमें भी वही करना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम को ही हमें बनाना होगा, उसमें देखते हैं। इधर टेंशन और इधर क्या हो जाएगा, 20 sin, यहाँ पे एक्चुअली एंगल नहीं लिखा है, ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को मैं रेक्टिफिकेशन करता हूँ और इसमें मैं एंगल लिखूंगा, ठीक है, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने देखी है, ये क्वेश्चन मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी का कंटिन्यूअसली एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, वहाँ पे करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है, अगर आप पसंद करेंगे या वीडियो आएंगे तो फिर मैं इसको आगे भी पढ़ूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।